सुप्रिया टाइम्स की खबर का असर है। आपको बता दें, जिस तरह से आप जानते हैं, हाल ही में घाटकोपर में होर्डिंग को लेकर बहुत बड़ा मसला हुआ, 16 से 17 लोगों की जाने गई और उसमें 70 के करीब लोग घायल हुए। लेकिन आपको बता दें, हम वो इसी होर्डिंग का मामला था, यही होर्डिंग जो आप देख रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंगों का मामला था। लेकिन आपको हम बता दें, ये होर्डिंग अलग है, ये होर्डिंग बाइकला में है। हमने जब देखा कि घाटकोपर में जब होर्डिंग का हादसा हुआ तो बाइकला में भी हो सकता है। मेरे ठीक पीछे यहां पे रेलवे पे कैमरामैन से चाहूंगा, देखिए उसको जूम करके दिखाने के लिए, वो जो होर्डिंग दिख रही है फॉर्चून टावर के आगे ही, सेंट्रल रेलवे कॉलोनी संजय गांधी नगर के गेट के पास जो होर्डिंग लगी हुई है रेलवे कॉलोनी में। आपको एक चीज बता दें, हमने सुप्रिया टाइम्स पे माहिती मांगे सेंट्रल रेलवे डीआरएम सर से कि सर ये सब होर्डिंग अब तक के उतरी नहीं, और रेलवे हरकत में आके आनंद फानन में फटाफट उन्होंने ऑर्डर दिए और जिसका टेंडर था ये होर्डिंगों को निकाला गया ताबड़तोड़, ये होर्डिंग दो दिन में उतारी गई। तो बताने का मकसद ये है कि सुप्रिया टाइम्स, अगर हम माहिती नहीं मांगते, हम लेटर नहीं डालते, तो आनंद फानन में ये होर्डिंग जिस तरह से चल रही थी वैसी ही चल रही थी, ये वही होर्डिंग है। आप गौर से कैमरामैन से चाहूंगा आगे आके दिखाने, आगे ये वही होर्डिंग है। अक्सर यहां से जनता देखती होगी कि इस होर्डिंग पे सालों साल आईफोन, एप्पल का जो फोन होता है सबको पता है काफी महंगा है, आईफोन का एड इस होर्डिंग पे कंटिन्यू हर साल रहता था। घाटकोपर का हादसा होने के बाद भी ये होर्डिंग नहीं उतरी थी। लगभग हमने अभी आपको पूरी होर्डिंग दिखाई, 17 के करीब होर्डिंग्स है यहां पे लगी थी। जब हमने लेटर डाले तो सुप्रिया टाइम्स की खबर का असर ये हुआ, राइटिंग में जो लिखित में फटाफट रेलवे के तरफ से ऑर्डर आया और ये सारी होर्डिंगों को उतारा गया। तो आपको बता दें कि आप भी जागरूक नागरिक बने, आप ये मत सोचिए कि हमारे वहां ये हादसा नहीं हुआ, ये होर्डिंग हमारे वहां नहीं है, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि घाटकोपर में अगर किसी की जाने गई है तो मुंबई कर सी गई है, मुंबई कर दबा है, मुंबई कर उसमें 16 से 17 जान गई मुंबई कर की, और जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है जो लोग घायल हुए वो मुंबई कर से। तो कभी भी आप ये सोचिए कि मैं उन पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के अलावा भी अगर हमें कहीं दिखता है कि राइटिंग में अगर कोई काम करना है माहिती के थ्रू, तो आप जरूर माहिती मांगे। सुप्रिया टाइम्स ने माहिती मांगी और उसका असर आपके सामने है। बताने का मकसद ये, अगर हम लेटर पे हमारे माहिती नहीं मांगते तो ये होर्डिंग वैसी आंख बंद में चलते रहती, लेकिन इस होर्डिंग के ऊपर असर हुआ, ताबड़तोब हमारा लेटर गया और होर्डिंग सारी उखड़ गई, इसे निकाला गया। लेकिन हम एक चीज और चाहेंगे कि अब तक माननीय डीआरएम साहब को ये कहेंगे और जनरल मैनेजर जीएन सर को ये कहेंगे कि होर्डिंग का स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से यू ही है, हमारी राइटिंग में माहिती में होर्डिंग्स तो उतर गई है, सारी होर्डिंग्स यहां की जितनी रेलवे में थी, लेकिन अभी तक ये स्ट्रक्चर नहीं खुला है। तो क्या आगे आने वाला वक्त बताएगा कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स थी उनके ऊपर बैन लगाया गया है, बीएमसी भी हरकत में आई है, और आगे आने वाला वक्त बताएगा जहां जहां होर्डिंग्स नहीं निकली है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। खबर आपकी नजर हमारी, सुप्रिया टाइम्स मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।